मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, दिल ही नहीं लग रहा, बस यही दिल कर रहा है कि 2-4 महीने काम करें उसके बाद चलते हैं। नहीं दिल करता है यार इधर आने का, घर छोड़ के जब आने लगो समझ लो कि दिल फट जाता है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी सुबह के भाई बज गए हैं 9 और अभी हम आए थे भाई बच्चों को स्कूल छोड़ने, और यहाँ पे आज भाई हो रही है बारिश सुबह से। कितने बजे से हो रही है हमको नहीं मालूम है, लेकिन अभी जो है फिर से जो है स्टार्ट हो गई दोबारा से बारिश। तो बारिश जो है बहुत तगड़ी हुई है, यहाँ पे जो है पानी भर गया बहुत ज़्यादा। और बाकी जो है ना गाड़ियाँ रोड पे भाई बराबर चल रही हैं, और ये सब जो है काम करने वाले हैं, मतलब कोई बच्चों को लेके जा रहा है, कोई काम पे जो है जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, काम किसी का बंद नहीं होगा, बारिश हो तो होने दो। यहाँ पे भाई ऐसा सिस्टम है, बारिश से कोई लेना देना नहीं, सबके पास तो भाई 4 पहिया गाड़ी होती है। यहाँ पे भाई देखो जाम लगा हुआ है, यहाँ तो वैसे भी जाम लगता है, अब हमको जो है नीचे जो है लेके जाना पड़ेगा कच्चे में गाड़ी। ये देखो पानी कैसे चल रहा है रोड पे, ये देखो जैसे लग रहा है जो है बाढ़ आ गई है। यहाँ पे भाई जो है टैंकर ही बोल रहा है, कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे भाई। कैमरा भाई एक और नया रख दिया है, देखो इधर पानी ज्यादा जो है पता नहीं चल रहा है, इधर असल में रेत है ना हमारे एरिया में, तो इधर पानी का जो है पता नहीं चल रहा कि पानी कितना गिरा है। हालांकि पानी आज बहुत ज़्यादा गिरा है, ये देखो यहाँ पे हल्का हल्का पानी शहरा हुआ है। ये लो भाई आ गए हैं अपनी कॉलोनी में, यहाँ पे तो बस सब सूना ही सूना पड़ा रहता है। आज तो भाई मुझे नहीं लगता है कि आज बारिश ही बंद होने वाली है, क्योंकि मौसम जो है ना बराबर बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, बारिश हल्की हल्की हो ही रही है, पानी चल रहा है सन 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 रोड पे। ढाल यहाँ पे रोड ही ऐसी बना देते हैं कि पानी ऑटोमेटिक जो है ढाल के थ्रू बीचों बीच पानी जाएगा। देखो इस तरफ से भी ढाल है, उस तरफ से भी ढाल है, पानी बीचों बीच में जा रहा है। गई जो भी दोपहर के भाई बज गए हैं और अब जा रहे हैं भाई बच्चों को रिसीव करने स्कूल, और अभी जो है ना बारिश बंद हो गई है। हम तो सोचे थे कि जो है आज बारिश बंद ही नहीं होगी, लेकिन अभी हल्की हल्की हवा चल रही और बूंदी हल्की हल्की पड़ रही है, बंद नहीं पूरी तरीके से। लगता है कि भाई छुट्टी हो गई है यार। अपना काम तो हो गया भाई, गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी, पैदल जाएंगे बुला के लेके चले आएंगे। यहाँ पे कहीं गाड़ियाँ हिल नहीं रही हैं, अच्छा हुआ गाड़ी हमने पार्किंग लगा दी भाई। देखो ऐसा गाड़ियाँ जो है जमी पड़ी, अब हटेंगी सब गाड़ियाँ तब जाम खत्म होगा। चुक ला के भाई छोड़ दिया है स्कूल से और अभी जा रहे हैं सुपरमार्केट, मैडम ने कुछ सामान मंगवा लिया है। बारिश अभी भी जो है हल्की हल्की हो रही है, यहाँ तो भाई पानी भरा पड़ा है, और पानी थोड़ा नहीं है, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ये देखो। तो चलो भाई निकालते हैं गाड़ी रिक्स ले करके, देख लेते हैं पहले अगला बंदा आ रहा कितनी गाड़ी इसकी जो है पानी में जो है जाती है। भाई इसकी गाड़ी काफ़ी उड़ गई है यार, हमारी पता नहीं निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, पूरा अभी जो है वाइट कर दिया। चलो भाई निकालते हैं हम भी यार आराम से। सबसे मेन दिक्कत क्या है कि खड्डी खड्डे हैं ना, इसकी वजह से डर लगता है भाई। चलो भाई निकल गई है पानी से। तो भाई आ गए हैं अभी आल कैफक सुपरमार्केट में, तो मैडम भाई मंगाई हैं चुकंदर, चुकंदर को बोल रहे थे समंदर, और मंगाई हैं ये भुट्टा, भुट्टा पता नहीं कैसे खाएंगी। यहाँ भाई चुकंदर रखे हुए हैं ये देखो, तो इनको बोले हैं कि समंदर, समंदर इनको अरबी में भाई बोला जाता है। गाइस भी शाम के भाई बज गए हैं 5:30 और अभी चल रहे हैं भाई गार्डन की तरफ, इधर ही जो है इफ्तार होगा आज, क्योंकि अगला बंदा भाई इफ्तार की दावत दिया था। ये कश्मीरी भाई जो है गार्डन की तरफ से घूम के आ गए हैं, इनको किसी ने जो है इफ्तार दे दिया है। क्या है माशाल्लाह, पास्ता है, चावल है, सही है। अभी धीरे धीरे भाई जो है सभी लोग जमा हो रहे हैं इफ्तार के लिए। यार बिछाने वाला और होना चाहिए यार, कश्मीर तुमको बोला था वो मस्जिद से उठा के लेके आते यार, क्यों नहीं लेते हैं, कोई लाएगा हैं, लेके आओ ना यार। माशाल्लाह अभी जो है धीरे धीरे लोग और इकट्ठा हो रहे हैं, आज तो जगह नहीं कम पड़ेगी ना, आज हो जाना चाहिए यार। अभी इफ्तार का टाइम हो गया भाई, 10 मिनट बाकी, अभी जो है सब लोग बैठने लगे धीरे धीरे। तो आज की इफ्तारी भाई माशाल्लाह, अरे खजूर की बियाँ निकाल लो साहब खजूर के। गए थे भी शाम के भाई बज गए हैं 9:30, तो ईशा की नमाज़ पढ़ के तरावी पढ़ के आ गए हैं मैडम को लेकर के मार्केट शॉपिंग करवाने।
यहाँ पे हम आए थे दो रमज़ान को आए थे, तो वहाँ पे सबसे लास्ट में जो है मैडम ने कुछ खरीदा वरीदा था, और अभी इनको लेके आए भाई इस वाली मार्केट में, यहाँ पे जो कॉर्नर पे दुकान दिख रही ना आपको, इस दुकान में जो है लेके आए हैं। यहाँ पे जो है नकाब वगैरह जो है सिल के बिकते हैं। तो इस जुमे को असल में ये लोग जाने वाले हैं उमरा पे, तो इसीलिए जो है अपना आई हैं मार्केट करने, शॉपिंग वॉपिंग करने, सामान खरीदने। तो ज़्यादा भाई टाइम नहीं लगाएंगे, बस मुमकिन जहाँ तक आधा घंटा या फिर लास्ट एक घंटा, इससे ज़्यादा जो है यहाँ पे नहीं रुकेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं है। और जो भी है ज़्यादातर यहाँ पे गोल्ड की मार्केट है और नकाब वगैरह जो है ये इसकी दुकानें हैं। तो इस मार्केट में बीचों बीच में जो है ना वहाँ पर गोल्ड की दुकानें हैं, बाकी इस तरफ जो है कुछ कपड़े की दुकानें हैं, बाकी और नकाब वकाब जो है इधर ही आगे जो है मिलते हैं। आजकल भाई पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, दिल ही नहीं लग रहा, बस यही दिल कर रहा है कि 2-4 महीने काम करें उसके बाद चलते हैं। ड्यूटी नहीं लगती है असल में, ड्यूटी लगे थोड़ा इधर उधर घूमने को मिले तो दिल जो है ना लगा रहे कि हाँ चलो घूम फिर रहे हैं, इधर उधर देख सुन रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। ऐसे रूम पे जब रहो ना तो जब तक कि सो उसके बाद जैसे नींद खुलती है बस वही जो है दिमाग में जो है चलने लगता है कि यार घर पर ये कर रहे थे, घर पर वो कर रहे थे, मतलब फिर घर की याद आने लगती। जब से भाई मैं बाहर आना शुरू किया हूँ यानी बाहर कंट्री काम करने के लिए, तब से मुझे कोई कफ़ील जो है इतना अच्छा नहीं मिला जितना इस बार जो है ये कफ़ील हमको मिला है। अब ये हमको ठीक ठाक मिला, फैमिली भी छोटी मिली, काम भी ज़्यादा नहीं, सैलरी भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर सफ़र से जो है ज़्यादा है, लेकिन इस बार जो है ना हमारे हालात जो है ना हमारा साथ नहीं दे रहे, मतलब हमारा वक्त ही हमको साथ नहीं दे रहा। सबसे ज़्यादा हम परेशान हैं अपने घर के हालात से और घर की प्रॉब्लम से, क्योंकि घर में कोई मतलब ज़िम्मेदारी उठाने वाला कोई है नहीं। वहाँ पे जो है एक आदमी की समझ लो ज़रूरत है, अब घर में जो है ना हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो औरतें थोड़ी जा सकती हैं, तो घर पे रहने की ज़रूरत है इस वक्त हमको। लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं कि जो है घर पे भी जो है नहीं रुक पा रहे हैं, और इधर इतनी नौकरी भी ये ठीक ठाक है इसलिए नौकरी भी छोड़ते हुए नहीं बन रहा, तो वही हमने सोचा कि जो है इस बार जो है किसी तरीके से अपना जो है सफ़र काट आते हैं, जो भी लगेगा वक्त ये लास्ट ही होगा इंशाल्लाह। नहीं दिल करता है यार इधर आने का, घर छोड़ के जब आने लगो समझ लो कि दिल फट जाता है। इससे पहले भाई जब हम घर गए थे ना 3 महीने की छुट्टी गए थे, 1 महीने वापस चले हैं, और 1 महीने में जो है ना इसने 3 ड्राइवर रख लिए और तीनों ड्राइवर जो है नहीं रुके, चले गए, पता नहीं क्या वजह रही होगी। तो एक तो भाई आया था फिलिपिनी, वो तो डेली जो है गाड़ी साफ़ करता था, वो जितनी बार गाड़ी जो है लेके जाता था वापस लेके आता था तुरंत उसको जो है साफ़ करता था, चमकाता था उसको। तो कहीं ना कहीं भाई सोचने वाली बात है कि इतना अच्छा घर था, इतना कम ड्यूटी थी, और एक ही महीने में तीन ड्राइवर चले गए। एक महीने में क्या 20-22 दिन में समझ लो कि 3 ड्राइवर चेंज हो गए। जिस हफ्ते में भाई मेरा टिकट हुआ ना वो हफ्ता पूरी जो है छुट्टी थी, स्कूल में छुट्टी थी बच्चों की, तो मैडम ने भी जो है छुट्टी ले ली थी। ये सारे लोग जो है चले गए थे घूमने के लिए कतर एक हफ्ता घूमे, उसके बाद जो है संडे को हमारी जो है यहाँ पर एंट्री थी, संडे को फिर हम रात में आ गए, सोमवार से जो है दूसरे दिन से ड्यूटी शुरू कर दिए, एक हफ्ता ड्यूटी की, उसके बाद रमज़ान चालू हो गया। रमज़ान में मैडम जो है एक दिन गए, उसके बाद फिर इन्होंने सब कैंसिल कर दिया। अभी ये जो है जाएंगी ईद के बाद, अभी बच्चों को स्कूल चालू है, 2 हफ्ता और स्कूल चालू रहेगा, उसके बाद बच्चों को भी स्कूल बंद, समझ लो छुट्टी छुट्टी है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो है इतनी छुट्टी थी तो इसने जो है मुझे क्यों इतना जल्दी बुला लिया। तो गाइस अभी हम वहाँ से आ गए हैं एक दूसरी जगह पर, यहाँ पर एक नया सुपर मार्केट खुला है, यहीं पर मैडम जो है रुक गई हैं। ये अल सदहान सुपर मार्केट है, तो ये अभी जो है आज ही कल में जो है ओपन हुआ है, लाइट वेट जो है लगा रखा है इन्होंने। तो ये लाइटें इसलिए लगाते हैं ताकि जो है लोगों को पता चले कि यहाँ मतलब कुछ नया ओपन हुआ है। गाइस अभी बज गया है 11 और अभी आ गए हैं वापस अपने रूम पे, और अब चलते हैं भाई कुछ बना लेते हैं सहरी के लिए। सहरी भाई अपने बन के हो गई है रेडी और अभी बज गया है 1:15, अब खा लेंगे सहरी अभी जो है, उसके बाद आराम से पानी पीते रहेंगे 3 बजे तक। अभी 2 बजा है तो 1-1.5 घंटे के बाद फिर अपना पानी वानी पी के मस्त सो जाएंगे। तो चलो गाइस फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको ये पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।